सो हेलो बड़ी लोग, तो कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रात के बज चुके हैं 12 और आपका दोस्त मोहित मामू अभी तक यहीं पर ही है, मरा रहा। क्या शायरी है मोहित मामू, क्या गंदी शायरी है यार। तो चलो बड़ी लोग, आप लोग देख सकते हैं रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक मैं आप लोगों के लिए जिंदा हूँ यार। टेंशन क्यों लेते हो। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसा कि बड़े लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेंटेनेंस हमारा OB32 बोलो या फिर पेज का बोलो, हमारा अपडेट आ चुका है। तो चलो, ये टी पैड यहाँ पे चिकन गुनिया खा रहा है, मतलब चिकन तंदूरी खा रहा है, कुछ भी खा रहा हो यार, मुझे तो नहीं दे रहा। तो चलो ये टी पैड को ओपन करते हैं और इसकी फुल डिटेल्स वीडियो लोग। वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी होगी, जितना हो सके मैं शॉर्ट में कवर अप करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यार आप लोगों को फुल डिटेल्स भी तो लेना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फुल डिटेल्स बताते हैं पैच अपडेट में क्या क्या होने वाला। अगर वीडियो लोग आपको वीडियो छोड़ना तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। आपको एक एक बातें मैं फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अपडेट में पहले बात की जाए कैरेक्टर की, तब लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारा स्काइलर है। तो स्काइलर की एबिलिटी यही है कि अब स्काइलर को हम सिर्फ होल्ड करेंगे, होल्ड करने पर ही जहाँ पर एम चाहेंगे वहाँ पर एम लगा के टिप सकते हैं या फिर स्काइलर का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर बात की जाए ओलिविया कैरेक्टर की, तब लोग देख सकते हैं ओलिविया कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर है। इससे हमें जब भी टीममेट को रिवाइव करते थे उससे कुछ एचपी मिलती थी, लगभग 30, 36, 43 यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। तो अब हम किसी टीममेट को रिवाइव करते तो हमें 30, 40, 50, 60, 70 80 HP तक हमें मिलेगी। तो ओलिविया कैरेक्टर को भी यार बहुत ही अच्छा बना दिया गेरिना ने। उसके बाद बात की जाए एक्जेने क्या गेरिना देता है यार, कैरेक्टर का नाम भी कोई ऐसे रखता है यार। हमसे पूछो यार, मोहित मामू से पूछो, देखो मोहित मामू। चलो कोई बात नहीं, उतना यार फालतू तो टाइम बर्बाद नहीं करना। तो बिल्कुल एक्जेने कैरेक्टर के हिज बिन डिफिकल्ट इन द पास्ट। देखो इंग्लिश पे ध्यान ज़्यादा ना दिए यार, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो एल लग जाएगी, इसलिए हिंदी पे कवर अप करता हूँ। हिंदी पे इंग्लिश मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन हिंदी से बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं एक्जेने जो कैरेक्टर था हमें 80 HP टेम्पोररी मिलता था, अब वो इंक्रीज कर दिया गया है और हमें वो 90, 100, 110, 120, 130, 150 HP तक देगा। यार क्या बात है यार, गेरिना तो बहुत वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये हमारा कूलडाउन मात्र 15 सेकंड में होगा बिड़ू लोग, समझ रहे हो ना, 15 सेकंड। चलो ये भी बहुत अच्छा किया गया। बात की जाए बिड़ू लोग मैक्सिम करेक्टर के, मैक्सिम करेक्टर तो गेरिना पूरा एल लगा दिया, पूरी तरीके से एल लगा दिया। यहाँ पे गाना होना चाहिए मेरा तो एल लग गया, क्योंकि बिड़ू लोग जो हम लोग मेडिकेट लेते थे स्पीड में वो स्पीड कम किया गया था, इस अपडेट के स्पीड से और भी कम कर दिया गया। ये गलत यार, गेरिना मैक्सिम रोने लगेगा भाई, क्या कर रहे हो यार, मैक्सिम रोने लगेगा, मैक्सिम इज रोइंग, मुझ को बहुत खराब लगेंगे। चलो कोई बात नहीं हुई। तो बिल्कुल आगे बात की जाए क्लैश स्क्वाड की, तो क्लैश स्क्वाड में हमारा कुछ अपडेट आने वाला है। वो अपडेट इज देयर इज आई एम दिखाइंग मतलब डोंट वरी, न्यू बरमुंडा एरिया हैंगर। बरमुंडा में एक हैंगर को भी क्लैश स्क्वाड में ऐड कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बरमुंडा में हैंगर को ऐड कर दिया गया। उसके बाद बात की जाए रैंक बैटल कार्ड, तो बिल्कुल रैंक बैटल कार्ड कुछ आया था जब हम लोग मैच से निकलते हैं या फिर मैच में एंट्री करते तो सामने वाले बंदों की हमें फुल प्रोफाइल दिखेगी, वो कैसा खेलता है, हेडशॉट रेट, लेंथ फन, सब कुछ। उसके बाद जब हम निकलेंगे बैक होंगे तो कौन MVP बना, किसने ज़्यादा किल किया, हेडशॉट रेट, सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखे थे। मतलब थोड़ा सा वो होता है ना क्लब वाला फीलिंग आएगा, मॉडलर जैसे कि लोग मुंबई में बैठ चुके हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलिए समझ रहे हो। उसके बाद कहते हैं बोनस एयर ड्रॉप की, तो हमें एयर ड्रॉप मिलेगा बोनस के रूप में, हर क्लैश स्क्वाड गेम में एक बून हमें एयर ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। तो बात कीजिए बड़े लोग न्यू मैप अल्पाइन मैप, हमारा क्लैश स्क्वाड का जो मुद्दा बनने वाला है मोदी जी ने पार कर दिया गया है, गेरिना ने पार कर दिया। तो बिड़ू लोग अल्पाइन मैप हमारा क्लैश स्क्वाड में आने वाला है, सिंपल बात, नो बकवास। और उसके बाद की बिड़ू लोग बरमूडा मैप में एडजस्टेड किया गया नरकुट डैम, ये डैम देख सकते हैं, आई थिंक ये डैम मेरा अल्पाइन मैप में नहीं है, ये हमारा कोई मैप में है लेकिन उसे बरमूडा में ऐड कर दिया गया। आप लोग देख लेना यार, मैं उतना खेलता नहीं रहा यार, क्या बोलोगे, मोहित मामू के पास टाइम नहीं है, बेकार इंसान है ना इसलिए। फिर से बात की जाए बड़े लोग मैप बैलेंसिंग की, तो मैंने आपको बता ही दिया। और उसके बाद यहाँ क्या एवर फेल्ड हेल्पलेस लाइक कॉम्बैटिंग रेदर, तो बड़े लोग हिंदी में समझो यार, क्या इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी पर ध्यान दो। तो बड़े लोग मैप बैलेंसिंग में बरमूडा मैप में एडजस्टमेंट किया गया लाइक कटुली स्टावा मार्स इलेक्ट्रिक एंड मील, ये सब तीनों जगहों में मतलब कुछ हमें छुपने की जगह मिलेगी, हाइड हिडन प्लेसेस, यानी कि कवर फायर के लिए हमें यहाँ पर कुछ होस्ट का घर बना देगा, कुछ कवर के लिए कुछ चीज़ मतलब डाल देगा गेरिना, ताकि हमें छुपने में आसानी होगी, कवर पॉइंट लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसमें तीन जगह है, कटुली स्टावा मार्स इलेक्ट्रिक एंड मील। उसके बाद बात की है रैंक बैटल कार्ड, तो रैंक बैटल कार्ड बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर में बताया, यही सेम चीज़ है, रैंक बैटल कार्ड जो है यही है रैंक बैटल कार्ड, हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी सब कुछ लंदफन। इसलिए दोबारा टॉपिक को मैं स्टार्ट करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मेरा भी टाइम।
उसके बाद बात की जब बोनस एयरड्रॉप, तो बोनस एयरड्रॉप भी मैंने आपको बता दिया कि हर क्लास स्क्वाड में एक बोनस है। और हाँ बिल्ड लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा शॉटगन का स्क्रीन कर देख सकते, 3 गोली वाली शॉटगन हमें एयरड्रॉप में मिल सकती है। नॉर्मली 2 गोली फेंकते तो वो अब 3 गोली तक फेंकेगा। उसके बाद बात की जाए बिल्ड लोग न्यू रैंक आइकॉन की, तो न्यू रैंक आइकॉन हमारा अपडेट में क्लास स्क्वाड की तरह हो सकता दिखेगा रैंक आइकॉन, जो कि हमें देखने में काफ़ी बेटर फीलिंग देने वाली है। उसके बाद बात की जाए वीडियो लोग बैटल रॉयल, तो बैटल रॉयल में सेफ जोन प्लेसमेंट, तो वीडियो लोग हम लोग जब क्लासिक मैच खेलते हैं तो हमारा फर्स्ट जोन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, तो अब क्या होगा फर्स्ट जोन जो हमारा घटेगा बहुत स्पीड से, क्या होगा स्पीड में आने की, अरे बाप रे समझ रहे हो ना। लेकिन ये क्लासिक में हो या रैंक पे नहीं होगा, आजकल क्लासिक पे ध्यान ही कौन देता, चलो गोली मारो। उसके बाद बात की जाए नर्क डेम रिवर्क, नर्क डेम इज बरमुंडा इज बीट आउट, वही मैंने आपको बताया यार अपडेट के बाद जैसे ही नर्क डेम बरमुंडा में हमारा ऐड हो जाएगा। इन गेम इवेंट की बात की जाए तो डिस्काउंटेड आईपिन अवेलेबल इन एयरड्रॉप, वेंडिंग मशीन हमारा जो हवा से गिरेगा, अरे हिंदी को गोली मारो यार, मैं बोल रहा हूँ हिंदी को गोली मारो, वेंडिंग मशीन जो हमारा हवा से गिरेगा उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगी, कुछ चीज़ें हमें सस्ती सस्ती मिल सकती है। रिवाइवल मैकेनिज्म ऑप्टिमाइजेशन प्लेयर्स हु, मतलब जो भी प्लेयर्स हमारा बिल्डिंग लोग रिवाइव होकर आएगा रैंकड गेम में ऊपर से, उसको लेवल 1 का हेलमेट फ्री में, लेवल 1 का वेस्ट एंड पिस्टल भी फ्री में मिलेगा। यार क्या कर रहे हो गिरीना यार, आप लोग क्या कर रहे हो, मजाक बना दिया क्या यार। उसके बाद बात की जाए बिल्डिंग लोग, तो न्यू वेपन चार्ज बूस्टर हमारा आ सकता, देख सकते आप लोग स्क्रीन के ऊपर न्यू वेपन चार्ज बूस्टर, ये क्या है हमारा 3 गोली वाला या 3 या 4 गोली आई थिंक इसमें भी लेता है। और इसकी खास बात ये है बिल्डिंग लोग कि हम इसे जब चार्ज करके मारेंगे तो 3 गुना हमें डैमेज मिलेगा, क्या बात है। बेस डैमेज बात की जाए तो 15 की है, रेट ऑफ फायर 0.3, मैगजीन भी 3 रहती है, और यार चार्जिंग तो यार क्या बोले यार, ओपी चार्जिंग लेने के बाद में बहुत तगड़ा चलेगा। उसके बाद बात की जाए बिल्डिंग लोग खास वेपन एडजस्टमेंट, तो बहुत सारी वेपन्स में एडजस्टमेंट की गई है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ। सारी शॉर्ट गन्स यानी कि SMG गन और SG गन, यानी कि शॉर्ट गन गन और MP40 सब लाइक SMG गन, ठीक है, सबका इफेक्टिव यानी कि क्लोज रेंज सामने का रेंज 5% कम कर दी गई है, एंड लॉन्ग रेंज डिस्टेंस 20% बढ़ा दी गई है, तो मतलब 20% कम कर दी हेडशॉट, आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ पे 20% कम कर दी गई लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में हेडशॉट डैमेज, मतलब लॉन्ग रेंज में जब भी हम हेडशॉट मारेंगे तो 20% अभी के मुकाबले डैमेज कम गिरेगा। ये था हमारा SMG गन का और शॉर्ट गन का, SMG गन में सामने 5% घटाई गई है और लॉन्ग डिस्टेंस में 20%। उसके बाद बात की जाए मिनी UG, तो इफेक्टिव यानी कि शॉर्ट रेंज में 5% कम की गई है, लॉन्ग रेंज में 20%, आर्मन पिनिटसन 20%, यानी कि वेस्ट जब भी पहने रहेंगे, जब पहने हुए रहेंगे तो हमें 20% कम डैमेज पड़ेगा। उसके बाद बात कीजिए वेक्टर, तो भाई वेक्टर टट्टी कन यार क्या करोगे यार गेरी ना, इसका तो एल लगा दिया आपने पूरा यार, वेक्टर तो पहले ही थी टट्टी, अब कितना टट्टी बनाओगे, इसका भी 20% डैमेज कर दिया गया लॉन्ग डिस्टेंस में। M500 का भी लॉन्ग डिस्टेंस में 20% कम है। और हाँ बड़े लोग बात की जाए स्कार और ऑक की, तो डैमेज 4%, इसमें 2% घट बढ़ाया गया है, और इसका रेंज 6% तक और 3% बढ़ाया गया। किंग फिशर में बात की जाए तो 2 मैगजीन बढ़ाई गई है, फ्लैशबैक जो बम से अंधा कर देते थे, कानून जैसे अंधा है ना, वैसे हम लोग बंदों का अंधा कर दे, तो उसका डैमेज 1 मिलता था, अब हमें 5 का डैमेज मिलेगा। और हेलमेट थिकर हेड 20%, जो हमें मिलता था ना वो बॉक्स टाइप का मिलता जो हर रैंकेड गेम में, उसमें जो वेस्ट थिकनर मिलता था उसका 20% डैमेज कम कर दिया गया, मतलब वेस्ट 10% तक अब ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी बम हो या लैंडमाइन हो या फिर कुछ भी, आलू बम, चॉकलेट बम, लहसुन कुछ भी यार समझ लो क्या बोले आपको। और लेवल 3 के वेस्ट में 20% तक बढ़ा दिया गया। बात की जाए वीडियो लोग न्यू एडवांस अटैचमेंट के वेपन, वीडियो लोग आई एम रियली सॉरी वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आपको अगर फुल डिटेल्स लेनी तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम नॉट माई मिस्टेक, देर इज नॉट माई मिस्टेक, देर इज ओनली गिरीनास मिस्टेक। तो बात की जाए न्यू एडवांस अटैचमेंट वेपन की, तो हमें ड्रॉप के अंदर ग्रोजा एक्स मिलेगा जिसका 10% डैमेज ज़्यादा है, M249 मिलेगा जिसका 5% प्लस रेट ऑफ फायर 12% ज़्यादा है, उसके बाद LVD का वाई मिलेगा जो कि ग्लूवल बहुत तेजी से तोड़ेगा, तोड़ने तो भाई मेरा बाप का क्या जाता है। उसके बाद बात कीजिए बड़े लोग ट्रेनिंग ग्राउंड अपडेट, तो यार बंदा देख सकते हो सामने ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारा खड़ा है, इसके ऊपर एम लगाना। और हाँ बड़े लोग फिर से बोलता हूँ यार, वीडियो में बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना यार, जितना होते कि वीडियो को लाइक शेयर करना यार, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत किया। उसके बाद बात कीजिए वीपन्स गेम प्ले, तो वीपन्स हमें जो बैकपैक के अंदर मिलता था उसको टच करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी फुल डिटेल्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगी। फ्रेंड घूमेंगे तो कुछ क्रिएटिव मोड आएगा आई थिंक, इसमें हम अपना मतलब क्या बोलता है अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें लाइक हवा में उड़ सकते हैं, लाइक बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें 14 मैप के अंदर घुसा सकते हैं, किसी मैप के अंदर घुसा सकते हैं।
उसके बाद बात की जाए बोले सबसे लास्ट ऑप्टिमाइजेशन तैयार है बहुत लंबा मैं आपको कितना माथा दर्द करवाएगा यार तुम लोग, लेकिन कोई ना यार मोहित रोएगा लेकिन अपडेट तो करेगा ही। ऑप्टिमाइजेशन टू गेमिंग एक्सपीरियंस मोहित अल्पाइन में, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं अल्पाइन में अभी हम नॉर्मली खेलते हैं तो कभी कभी हल्का हैंग टाइप होने लगता है, जो कि हमारा डिवाइस नहीं ऐसा होता लेकिन फिर भी करता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उस मैप में कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे उसको बहुत ही स्मूथनेस बना दिया है गरीना ने। ऑटो जितने भी हम लोग गन ट्रेनिंग ग्राउंड में चुनते थे परचेस करते थे, अब हमें सिर्फ टच करना है, टच करेंगे और टच्ची टच्ची वाला फीलिंग आएगा और वो गन हमारे हाथों में आ जाएगा। उसके बाद बात की जाए तो इनहेंस एक्सप्लोजन बॉम्ब स्क्वाड मोड में हमारा थोड़ा सा वो बॉम्ब का डैमेज हो सकता है, टाइमिंग वमिंग बढ़ा दिया जाएगा। टच अप द एमओ आइकन्स ऑफ शॉटगन एमओ का और शॉटगन पिस्टल का कुछ टचअप आईफोन यार मेरे को समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको पता है लाइक बटन में। और हाँ मेरे लोग, जब हमारा टीममेट मरेगा फर्स्ट ब्लड पे ट्रिपल किल पर क्वाड्रा किल करता है तो हो सकता है शायद मैं उसको दोबारा तिबारा लाइक कर दूं यार, ये बहुत अच्छा, अगर ऐसा हो तो सही मेरा लाइक इंसान का तेज़ी से बढ़ेगा, 1,00,000 लाइक या 1,00,000 लाइक भी कर लेगा अपन। उसके बाद कीजिए एडजस्ट पिकअप प्रियोरिटी और आइटम पिकअप सेटिंग, मुझे समझ में नहीं आया, छोड़ो यार आप लोग को समझ में आता आप लोग समझ जाने यार, मैं कितना कवर अप करूँगा यार, रात के 12 बजे सोचो यार मैं फिर भी कवर अप कर रहा हूँ, इसका शर्म अगर आप लोगों में थोड़ी भी शर्म ला जाऊंगे तो वीडियो का कंप्लीट वॉच करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा कर ढोक देना यार, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं नजेम हूँ, मैं शराबी नहीं फिर भी पीने दो मुझे। हम लोग मैच में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो हेलो फॉलो मी मैसेज मी लोड़ा लहसुन ढेरे मनी सब मैसेज करते थे बिल्लू, तो अब वो सारा मैच में जाने के बाद सारा म्यूट हो जाएगा। फिटिंग रूम अप टू हाँ बिल्लू, आप लोग देख सकते हो जो हमारा इमोट सेक्शन है वहाँ पे हम अपने कुछ कपड़े को जैसे सहेज कर रख सकते हैं जिसे हम आराम से बाद में पहन भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑन रिप्ले टू सेव ऑटो 10 मोशन, उसके बाद बिल्लू हम अपने 10 मैचेस को अपना सेव करके ऑटोमेटिक रख सकते हैं। उसके बाद बॉथ किल एंड असिस्ट क्वालिफाइड फॉर डेली मिशन इन बैटल रॉयल कैंपेन, और हाँ बिल्लू लोग जो भी हम लोग किल ज़्यादा करते हैं डेली फर्स्ट वो हमारे बैटल रॉयल में एक बहुत अच्छी तरीके से हमारा सेव हो जाएगा, जो मैच हम लोग बहुत अच्छा से विन करेंगे। तो वीडियो लोग वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, लेकिन करो क्योंकि वीडियो भाई इतनी रात को मैंने बहुत मेहनत से वीडियो मैं मानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी है लेकिन वीडियो यार फुल नॉलेजेबल है, कोई भी मैंने बकचोदी गलत नहीं की है, फुल डिटेल्स बिल्कुल सही दिए। तो चलिए वीडियो लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।